Thank you, General Chairman. Myself, एक निहायत अहम वाक्य के हवाले सर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये सर बालाच बलोच के लवाइकीन गुज़िश्ता 5 दिन से तुर्बत में इनकी मैयत के साथ एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद, ख्वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी इनके साथ धरने में बैठे हैं। सर, इनके अहले खानदान का कहना है कि ही वॉज किल्ड इन कस्टडी। मुझे सर आप सबकी तवज्जो चाहिए। सर, वो क्यों ये कह रहे हैं कि he was killed in custody? क्योंकि वो 29 अक्टूबर से CTD के तहवील में था और जिनको 21 नवंबर को अदालत के सामने पेश किया गया। मीडिया के मुताबिक और मेरी अपनी भी इत्तला हैं कि सेशन जज ने CTD के अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया, जो था हाल दर्ज न हो सका। इनके साथ लवाइकिंग का यह कहना है कि अगर CTD के अफसरान के खिलाफ FIA दर्ज नहीं होती है, तब तक वो अपने लाश के साथ धरने में बैठे रहेंगे और आपका सर पूरा तुर्बत शहर सरापा एहतजाज है, कारोबार बंद है, जलसे और जुलूस हैं। तो इसलिए जनाब चेयरमैन, हमारा भी ये पुरजोर मुतालबा है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इस दर्दनाक वाकये की अदालती तहकीकात की जाए। मैं सर स्पेशली जनाब चेयरमैन आपसे, ये सर एक इंसानी मसला है और लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर साहब, सर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस ज़मीन में अपना किरदार अदा करें और इनके लवाइकीन को इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू सर। जी मंजूर काकर सर। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन थैंक यू। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है चेयरमैन साहब, और रियासत का फर्ज के लोगों का जान माल सर चादर चार दीवारी का मुहाफिज। लेकिन चेयरमैन साहब, चंद ऐसे वाकयात हैं कि जब हम ये देखते हैं लोगों के हवाले से, जैसे कि अभी एक वाकया जंजो साहब ने बयान किया। चेयरमैन, मैं अगर कोचार बलोचिस्तान की बात रखूं, चंद ऐसे वाकयात रोनुमा हुए हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। गुरमंडी थाने का एक वाकया है नसीबुल्ला अचकजई, जो कि एक मजदूर पेशा इंसान था, रंग करने वाला था, जिसकी एज भी बहुत छोटी थी, और पुलिस नाके पे थी, नहीं थी, जो भी था, तो उस बच्चे को उन्होंने शहीद किया। शहादत के बाद उसे सिविल हॉस्पिटल ले गए थे और उनके लवाइकीन को कॉल किया गया कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो जब लवाइकीन आए अपने बच्चे के लिए, तो वहां पे अगर देखा उन्होंने, पुलिस से पूछा गया, तो पुलिस ने कहा कि
कि हमने इसको रोकने का इशारा दिया, ये रुका नहीं, तो इसके ऊपर फायर हुआ। और जब बच्चे को देखा गया तो बच्चा आगे से लगा हुआ था, पीछे से नहीं लगा था स्ट्रक्चर में। तो ये पुलिस जो हम कहते हैं कि हमारे मुहाफिज है, हमारे चार चार दीवारी के हवाले से, हमारे जान माल इसके हवाले से मिस्टर चेयरमैन, इसके साथ साथ एक और वाकया नौशी का है जहां पे चार चार दीवारी का फिर पामाली हुई और वहां पे खातून को शहीद किया गया। इसी तरह फिर एक वाकया खंदारी बाजार में हुआ मिस्टर चेयरमैन, बुखारी सेंटर में, जिसमें भी डकैती और जो पकड़े गए वो पुलिस वाले थे मिस्टर चेयरमैन। अब हमारे मुहाफिज, हम खुश हैं कि हमारे मुहाफिज खड़े हैं, हमें पता नहीं कि इस वर्दी में डाकू भी मौजूद है, कोई एसएचओ का भाई है, तो एक डीएसपी का बेटा है। तो मिस्टर चेयरमैन, इस तरह इससे पहले बहुत से वाकयात हुए हैं, ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि थाने के अंदर जो मुल्जिम था, जो पकड़ा गया था, उसको मारा गया, उसको शहीद किया गया, लेकिन उस एसएचओ को, उस डीएसपी को या सब इंस्पेक्टर को दोबारा एक इंक्वायरी कंडक्ट कर देते हैं, उसके बाद ना इंक्वायरी होती है ना कुछ होता है, उसके बाद दोबारा उसको एक अच्छी जगह पे दोबारा पोस्टिंग भी मिल जाती है। मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, इसके साथ साथ अगर मैं कराची का एक वाक्य बयान करूं, उमेर डीएसपी, अब वो भी एक डकैती के बहुत से वारदातों में मुलविस है, जो कि पकड़ा गया है। तो मिस्टर चेयरमैन, यहां पे हम कहते हैं ना कि डाकू और पुलिस, क्या उस एसएचओ को या उस डीएसपी को इस इलाके के किसी डाकू का पता नहीं, किसी चोर का पता नहीं? जितनी चोरियां, जितनी डकैतियां होती है सबको पता है। हम ये नहीं कहते हैं मिस्टर चेयरमैन कि खुदा ना खास्ता तमाम पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना वो बुरे हैं, उसमें बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, उसमें बहुत ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर जो काला काले भेड़िया बैठे हुए हैं चेयरमैन, उसको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। अगर हम उसको इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे मिस्टर चेयरमैन, तो ये चीजें और भी आगे जाएंगी जो कि ठीक नहीं होगा मिस्टर चेयरमैन। इसी तरह मिस्टर चेयरमैन, बहुत सी वारदातों में, बहुत सी चीजों में जो है ना पुलिस जो है ना मुलविस पाई गई है, क्या इसके लिए कोई उन्होंने कोई रोकथाम किए मिस्टर चेयरमैन? आज तक हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आया, दोबारा उनको प्रमोशन भी मिल जाते हैं। यहां तक कि पुलिस में एक वाकया ऐसा भी आया कि एक पुलिस ऑफिसर डीपीओ का चार्ज लेते हुए, उसको इंजॉय करते हुए प्रमोशन का वक्त जब आया तो पता चला कि उसकी डिग्री जारी है, यानी 40 साल वो डिपार्टमेंट को इंजॉय करता रहा, उसके फैसिलिटीज इंजॉय करता रहा। एक अजीब डिपार्टमेंट, एक अजीब सिस्टम जो हमारा एक एक्ट है, इसमें हमें तरमीम करनी चाहिए मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, इस तरह के जो कुछ और वाकयात है मिस्टर चेयरमैन, इस्लामाबाद में दो होटल है, इस्लामाबाद में एक होटल है अलीजम के नाम से, एक होटल है जहां पे मंशियात बेचा जाता है, जहां पे हमारे बच्चे जाते हैं। एक और F10 में बरस्ती रेस्टोरेंट है, उसमें बच्चे जाते हैं, उसमें तमाम ड्रग्स मिलते हैं। क्या पुलिस इसलिए बैठी हुई है कि उसकी सरपरस्ती करे? क्या जो हमारा एक नया नस्ल है उसके साथ हम खिलवाड़ करें मिस्टर चेयरमैन? ये हमारा इंसाफ है, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, ये हमारे मुहाफिज है, ये तो डाकू है मिस्टर चेयरमैन। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि पंजाब में जो पश्तून आएगा तो वहां पे जो है ना सर्टिफिकेट जारी होगा, अगर सर्टिफिकेट जारी होगा तो पश्तून जो है ना यहाँ का लोकल होगा और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा। ये गौर धंधा ने चलवा दिया मिस्टर चेयरमैन। पहले भी जो सख्तियां, जो वहां पे अजाब था उन लोगों पे, हम जाके फॉरन पे 10,000, 20,000, 40,000 रुपए दिए जाएंगे एक और नए कारोबार को लेकर मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह अगर मैं सिंध की बात दोबारा ले लूं, वहां पे जो पश्तून रहते हैं, वहां पे जो पश्तून आते हैं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो भी सबको पता है, और वहां पे जो पुलिस पश्तूनों के साथ कर रहा है या बलोचों के साथ कर रहा है या पंजाबी जिसके साथ भी कर रहा है, वहां पे एक इलाके है कुछ जहां पे तमाम डाकू सरेआम फिरते हैं, उन्होंने पुलिस चौकियों को यह कमाल बनाया हुआ है, पुलिस डाकू और एक जो पुलिस है वो सबको पता है मिस्टर चेयरमैन।
क्या उस मैम क्यों खामोश है मिस्टर चेयरमैन? इसी तरह अगर मैं दोबारा बात करूं चमन की मिस्टर चेयरमैन, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, अगर मैं तफ्तान की बात करूं, यहां पे ऑयल की बात हुई मिस्टर चेयरमैन, टैंक की बात हुई, पेट्रोल की बात हुई मिस्टर चेयरमैन, ये हमारे सामने है मिस्टर चेयरमैन कि हमने कहा कि हम बंद करेंगे लेकिन हमने कोई फ्यूल बंद नहीं किया, हमने कोई पेट्रोल बंद नहीं किया मिस्टर चेयरमैन, यहां तक कि हमने सिर्फ उसके दाम बढ़ा दिए। पहले अगर टैंकर 10,000 रुपए का था तो अब वो टैंकर 7,000 रुपए। थैंक यू चेयरमैन, हम सिर्फ थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर सादिया अब्बासी, ऑनरेबल सेनेटर सादिया।